अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम क्लास, मैं मुजम्मिल हुसैन और आप इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। आज के टॉपिक में चेन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बट उससे पहले चेन रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चेन रूल जो है एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे अप्लाई होता है। मीन्स के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सपोज कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, हमारे पास ये कोई हम फंक्शन ले लेते हैं, वाई इज इक्वल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह की कोई कंपोजिशन आ रही होती है। और जब इसका हम डेरिवेटिव राइट करें, से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का साइन हमने यूज़ किया है, तो ये आ जाए हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स। तो इसे हम फर्ज कर लें, लेट करते हैं कि हमारे पास कोई यू फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर है, और एक सेकेंड जो है ये वाई बन जाएगा हमारा, ये जो इसको हमने जी ऑफ एक्स को यू रखा हुआ है, तो वाई हमारा आ जाएगा एफ ऑफ यू। अब ये जो दो नए फंक्शंस आपने बना लिए हैं, इनको अब करना है डिफरेंशिएटिंग। यू को यू डिपेंड कर एक्स के ऊपर, तो डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा, और इसी तरह से ही आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। और वाई डिपेंड कर रहा है यू के ऊपर, तो हम इसको करेंगे डी वाई बाय डी यू, और ये आ जाएगा हमारा एफ प्राइम ऑफ यू। तो ये इनको फर्दर जो हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूशन के लिए ले रखी हैं, ये वाली वैल्यूज हमने इसको फर्दर पुट कर दिया है जी ऑफ एक्स को यू के बराबर, और ये जो हमारा वाई था ये एफ ऑफ यू के इक्वल हो गया। इन दोनों फंक्शंस को हमने क्या कर दिया, यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करवा देना है, वाई को जिस पे ऊपर वो डिपेंड कर रहा होगा तो उसको डिफरेंशिएट करवा दिया। अब चेन रूल कहता है कि आपने निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था इसका। तो इसका हमने फर्दर टू पार्ट किए हुए हैं, तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं डी वाई बाय जो डी इसका यू आया ये वाला, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया डी यू बाय डी एक्स से, तो जब ये करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। तो ये चेन रूल इसको बोलते हैं। तो ये खास तौर पे आपने ये वाली स्ट्रक्चर जो है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल डी वाई बाय डी यू, सेकेंड फंक्शन वाला डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करेंगे डी यू बाय डी एक्स, इसको हम बोला करेंगे चेन रूल, और इसको आपने अच्छे से याद कर रखना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 2.1 का वो सॉल्व करते हैं। वो गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू स्केयर रूट 1 माइनस x और 1 प्लस x का स्केयर रूट। अब इसको बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से इसकी वैल्यूज लगाने के तरीका से आपने इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट से कि कोई एक सेकेंड वेरिएबल ले लेते हैं, फंक्शन लेते हैं u, u रख लें, v रख लें, w जो भी नाम रखना चाहें, u रख लें। तो ये जो सारा रेडिकल के अंदर आ रहा है, मीन्स कि 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, इसे हम रख लेते हैं u के बराबर। तो हमारा ये जो y है ये क्या बन जाएगा, एक y इज इक्वल टू आ जाएगा u की पावर, ये रेडिकल फॉर्म को हम 1/2 फॉर्म में लिख देते हैं। ये y जो था इसके अंदर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, लगा दी इस रेडिकल के अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ को हमने u ले लिया है, u के इक्वल ले लिया है, और इसको u की वैल्यूज यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा u की पावर 1/2, ये y के इक्वल आ गया। अब ये दोनों जो फंक्शंस बना रखे हैं हमने, इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के एतबार से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट ये देखें, ये फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं, तो ये क्वेश्चन रूल हमने इसे लास्ट एक्सरसाइज 2.3 में डिस्कस कर रखा है। तो इसके ऊपर कौन सा अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये डी यू बाय डी एक्स राइट होगा। और क्वेश्चन रूल क्या था हमारा जी, इसकी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसका हम स्केयर लिखते होते हैं, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को हम सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव राइट करेंगे इसकी न्यूमिनेटर वैल्यू इसका 1 माइनस एक्स का, और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर न्यूमिनेटर की वैल्यू सेम राइट करेंगे, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर वैल्यूज का, ऐसी था। अब इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स सेम, अब ये सम और डिफरेंस फॉर्म में आ रहा है, तो 1 का लहदा से डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू ये माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और 1 प्लस सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, 1 प्लस एक्स है हमारे पास बटे में वो सेम आएगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का 1 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस एक्स और ये 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करना है हमने अभी, और इस तरह ये वाला माइनस ये 1 माइनस एक्स, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फर्दर में 1 प्लस एक्स का होल स्केयर।
अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का हो जाएगा वन, और ये भी माइनस का एक्स हो जाएगा, और माइनस वन को मल्टीप्लाई किया माइनस वन, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू बाय वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया डी यू बाय डी एक्स। अभी हम इसकी वाई वाली वैल्यूज का जो फंक्शन है ये वाला y को डिफरेंशिएट करेंगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है u पे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो y को जब डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u तो ये बनेगा dy वाई बाय डी यू लिखेंगे, और इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u तो u की पावर वन बाय टू, तो ये पावर रूल पहले लगेगा, पावर रूल शुरू में, पावर इसका पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में लिखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो हमने पावर वन बाय टू शुरू में पावर में से कम राइट कर दिया वन बाय टू, और यू की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा टू एलसीएम आएगा, तो माइनस का वन बाय टू आ जाएगा इसका। अब इसको यू की वैल्यूज को अगेन जो हमने लेट कर रखा है वो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, ये माइनस वन बाय टू है तो ये वन बाय टू, और यू की वैल्यूज हमारे पास है वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स की पावर वन बाय टू माइनस का वन बाई टू, और इसको फर्दर प्लस में बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वन प्लस एक्स का अलहदा से पावर ऐड कर देते हैं प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाके पावर माइनस में आ रही थी, ये वन माइनस एक्स जो है इसकी पावर बटे में राइड करेंगे अलहदा से, क्वेश्चन रूल इसके ऊपर पावर के हिसाब से लगा दिए, तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाय डी वाई बाय डी यू। अब इन दोनों के ऊपर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो चेन रूल हमारे पास क्या है भाई, चेन रूल्स अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाय डी एक्स। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी वाई बाय डी यू हमारे पास वैल्यूज आ रही है वन बाय टू, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का पावर वन बाय टू, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, माइनस टू बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये टू जो है इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये वन प्लस एक्स है, ये भी वन प्लस एक्स है, ये इसकी पावर हाफ इस टू में से माइनस कर दें, बेस सेम आ रही है इसकी, तो माइनस वन बाय वन माइनस एक्स की पावर वन बाय टू को हम रेडिकल फॉर्म में राइट कर देते हैं, और ये आ जाएगा वन प्लस एक्स की पावर टू माइनस वन बाय टू, ये वाली पावर वन बाय टू इससे माइनस करवा दिए, तो ये आएगा हमारे पास माइनस वन बाय वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और ये टू माइनस वन बाय टू, टू जा फोर, फोर में से वन माइनस किया तो वन प्लस एक्स की पावर थ्री बाय टू आ जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर वो यहाँ पे कंडीशन ना लगाता बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, तो वैल्यूज लगाने से तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे जो कि ज़्यादा आसान था। तो अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया, इसका सेकंड सॉल्व करते हैं। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं कि लेट करते हैं कि यू हमारे पास जो ये सारे स्क्वायर रूट को अलहदा से, और ये इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही मीन्स के एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, ये हम यू रख लेते हैं, तो वाई हमारा क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू अगेन से यू की पावर वन बाय टू बन जाएगा, मीन्स के ये सारे का स्क्वायर रूट, इसके नीचे वाले वैल्यूज को हमने यू रखा हुआ है। अब इसको अगेन सेम वही मेथड है, जस्ट सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे, यू एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये बन जाएगा डी यू बाय डी एक्स, और इसका अलहदा अलहदा से सम हो रहे हैं, एक्स का अलहदा से डेरिवेटिव राइट कर देते हैं, और एक्स की पावर जो है इसको पावर फॉर्म में राइट कर देते हैं वन बाय टू। अब एक्स का डेरिवेटिव अकेला एक्स आ रहा है, इसकी डेरिवेटिव वन होती है, और इसकी पावर लगेगी, पावर शुरू में पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे वन बाय टू माइनस वन, और यह आ जाएगा वन प्लस वन बाय टू, और एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, ये आ गया हमारा डी यू बाय डी एक्स। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा इसका वन प्लस वन बाय टू एक्स का रेडिकल, और अगर इसका हम एलसीएम ले लें टू एक्स का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा टू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस वन, ये आ गया डी यू बाय डी एक्स। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये हमारा बन जाएगा डी वाई बाय डी यू, बाय यू पे डिपेंड कर रहा है तो डी वाई बाय डी यू, और इसका पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक
कम कर देंगे तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने राइट कर दिया, पावर लगा दिया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम करके राइट कर दिया। अब यू की वैल्यूज अगेन हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो वो आ रही है वन बाय टू एक्स प्लस एक्स के रूट और होल की पावर माइनस वन बाय टू आ रहा है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा वन बाय टू इंटू एक्स प्लस एक्स के रूट इस तरह से, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और इसे हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं वन बाय टू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट और ये सारी पावर को हम इसके स्क्वायर रूट में राइट कर देते हैं। तो ये हमारा डी वाई बाई डी यू आ गया। इसको आप चेन रूल से सॉल्व करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे बाय चेन रूल, वो क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाय डी एक्स। वैल्यूज लगा दें, डी वाई बाय डी यू हमारे पास आ रहा है वन बाय टू और स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन और डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर रूट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये टू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस वन और इस टू को टू से करेंगे टू टू ज़ा फोर और एक्स स्क्वायर रूट ये पहले राइट कर दें और इसी तरह ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर और फाइव ये सेम स्टेप से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अभी इसका एक और क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपने खुद से प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो फोर है इसको अगेन वही मेथड है सबके, लेकिन बस एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसके बाद फाइव भी आपने करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड और फोर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लास्ट क्वेश्चन फोर खासतौर पर। तो अभी इसको हम वाई को रखेंगे, क्या रखेंगे, तमाम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करवाना है। सेकंड वेरिएबल यू थ्री एक्स की पावर टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन, ये सारी ब्रैकेट वाले को हमने यू रख लिया है। तो ये हमारा जो वाई है ये क्या बन जाएगा, यू की पावर सिक्स। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव अलग अलग से इसका राइट कर देते हैं, थ्री एक्स की पावर टू का फिर माइनस डेरिवेटिव टू एक्स का और फर्दर हम इसको राइट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री कांस्टेंट उसी तरह से आएगा, पावर शुरू में आएगी थ्री टू टाइम सिक्स हो जाएगा, ये पावर इस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी थ्री टू टाइम सिक्स, एक्स की पावर वन हो जाएगी, ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन और साथ में टू आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। और इसका अगर डेरिवेटिव लिखेंगे तो डी वाई बाय डी यू, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया, सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू हम यू कर रहे हैं, यू की पावर फाइव आ जाएगी। फर्दर यू की वैल्यूज हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास है थ्री एक्स की पावर टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन। अब इसको बाय चेन रूल हम राइट करेंगे डी यू वाई बाय डी एक्स बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाय डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाय डी एक्स। अब इसे वैल्यूज यूज़ करेंगे सिक्स इंटू थ्री एक्स की पावर टू माइनस टू एक्स इसकी पावर फाइव है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे थ्री एक्स की पावर टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन पावर फाइव और मल्टीप्लाई करवाना है हमने सिक्स एक्स माइनस टू के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें या इसी तरह से राइट कर लें सिक्स इंटू सिक्स एक्स माइनस टू और यह देगा हमारे पास थ्री एक्स की पावर टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन और होल की पावर फाइव। इसका क्वेश्चन नंबर जो फाइव है स्टूडेंट, वो आप लोगों ने एज ए प्रैक्टिस खुद से सॉल्व करना है। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला आ जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो क्वेरी आपके हो तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।